हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। आज हम बहुत ही यूनिक मेथड पढ़ेंगे, कौन सा? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, इसीलिए ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। अब इसमें जो फिनोल का हम प्रेपरेशन करेंगे वो किससे करते हैं? वो हम करते हैं हेलोएरीन से, जैसे कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर हम बात करेंगे उसकी, जो छोटी छोटी उसमें बारीकियाँ हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हम इसमें जो रिएक्टेंट लेते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है कोई भी हेलोएरीन। सपोज करिए हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर इसमें लेते हैं अबाउट 673 केल्विन और प्रेशर हम लेते हैं इसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हम बहुत ही हार्श कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, मैं यह लिख देता हूँ, ये बहुत ही हार्श कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण मैं अभी बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं। इसमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है सेकंड स्टेप, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है पहले स्टेप में वो क्या होता है? वो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड सॉल्ट, ठीक है। ये एक बनता है इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं। एसिडिफिकेशन करवाने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ से सोडियम आयन को हटा के वहाँ पे H पॉजिटिव लगाना है हमने विद द हेल्प ऑफ एसिड। हमें पता है जो एसिड है वो क्या देता है? H पॉजिटिव। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इसमें? जब इसमें से सोडियम हट के क्या लग जाएगा? H, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिनोल। बहुत ही हार्श कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं हम, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं? 673 केल्विन। तो आप सोच रहे हो कि इतनी हार्श कंडीशन यूज़ करने का क्या रीज़न हो सकता है? देखो ये जो एरोमेटिक रिंग है ये हमको पता है ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, तो लेकिन ये जो क्लोरो ग्रुप है ये भी इसकी एरोमेटिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इसीलिए इसको हटाना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं लिख देता हूँ, ये जो क्लोरो ग्रुप है ये किसके अंडर आ जाता है? ये एरोमेटिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ठीक है, इस रिंग के। तो आप सोच रहे होगे कि ये एरोमेटिक इन्फ्लुएंस में क्यों आ जाता है? क्योंकि हमें पता है एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। कंजुगेटेड सिस्टम में हमें पता है कि अगर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंडर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और क्लोरो ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ जाता है, इसलिए ये एरोमेटिक इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है, इसलिए ये यहाँ से इसका निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसको निकालना यहाँ से। तो इसलिए हमें इतनी हार्श कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ता है। देखो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ से Cl निकलता है और आगे जाके वो वाला सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे अटैच होता है, पहली बात। दूसरी कि ये जो रिएक्शन है, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? अगर हमें और भी इसको पीछे अगर हम जाके देखें तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, तो क्या होता है कि यहाँ से एक H हटता है और यहाँ पे सभी H है हमें पता है, तो यहाँ से एक H हटता है उसकी जगह पे क्या लग जाता है? Cl। तो इस तरह से हम पहले क्लोरोबेंजीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो डाउस प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है क्लोरोबेंजीन से और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज़्म। इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, वो अब जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले हमने लिया क्लोरोबेंजीन
उसको हमने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप है ना, ये एक इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ पुल हुए पड़े, क्लोरो ग्रुप की तरफ, जिससे कि यहाँ पे जो कार्बन है, ऑर्थो ग्रुप पे जो कार्बन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो एच पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो बंदे नहीं रह सकते, तो इस एच पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाता है और ये एच पॉजिटिव क्या बन जाता है, एसिडिक एच, ठीक है। तो अब जहाँ पे एसिडिक एच है वहाँ पे बेस अपना काम करेगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो OH नेगेटिव है वो इस एच को अपने साथ ले जाएगा और क्या बना देगा, वाटर। अब क्या होगा, जब यहाँ से H जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसको देके जाएगा, कार्बन को देके जाएगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देके गया है। अब क्या होगा, अब ये वाली मॉइटी अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन के साथ तीसरा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास अभी तीन बॉन्ड है, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ये जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन इस क्लोरो ग्रुप को छोड़ेगा, तो ये क्लोरो निकलेगा क्लोराइड की फॉर्म में और पीछे कौन सी मॉइटी मिलेगी हमको, ये वाली, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन, जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही अलग तरह का मैकेनिज्म है। अब ये जो बेंजाइन बना है, अब फिर से दोबारा से पिक्चर में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसका जो OH नेगेटिव है ये वहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है। देखो ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन ने एक दूसरे के साथ दूसरा पाई बॉन्ड क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है, किसी के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाना है लेकिन इनको कोई एटम नहीं मिल रहा, तो अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव इनमें से किसी भी एक कार्बन के साथ आके लग जाएगा। सपोज करते हैं कि वो इस कार्बन के साथ आके OH लग जाता है, तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शिफ्ट होकर किसके पास आ जाएंगे, इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन के ऊपर फिर से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम यूज, अब हम कर रहे हैं इसमें, अब इसमें कोई भी रिएजेंट नहीं काम करेगा, अब एक इंटरनल अरेंजमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, ये जो कार्बन है हमें पता है इसके पास अभी तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, इसे बनाने चार हैं, तो क्या होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट भी है, ठीक है, और इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, और पीछे हमें क्या मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेनोक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फेनोक्साइड आयन यहाँ पे एक और भी काम होगा, यहाँ पे जो सोडियम बच रहा था OH नेगेटिव की वजह से वो किसके पास जाके अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहीं पे बना देता हूँ, जगह कम है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फेनोक्साइड आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में बस अब तो प्रोडक्ट बनने वाला है, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एसिडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये किसके पास जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये Na पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये हमें मिल गया हमारा फिनोल। तो स्टूडेंट ये बहुत ही अलग से अलग तरह का मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें ये बेंजाइन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्टेंट थे, ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, ये रिएजेंट था, और ये जो थी ये इंटरमीडिएट स्टेट थी, ठीक है, और ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।